हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल फ्यूरी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली। तो आप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स पर आप कैसे कर सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स पर जाकर जो नेटवर्क जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा 4G वोल्ट पर, ठीक है, 4G वोल्ट हो या LTE हो, ठीक है। तो उसको कैसे करना है मैं आपको आज पूरा यहाँ पर सॉल्यूशंस वगैरह बताऊंगा। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहला जिस स्टेप है, आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करते ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको कौन सा सिम पर अभी ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्ट चाहिए, ठीक है, नेटवर्क का। यहाँ पर दिया हुआ है जियो और एयरटेल, तो मैं अभी जियो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जियो पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते हैं आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर टर्न ऑन है, ठीक है। ये आपका टर्न ऑफ होने से आपको नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टर्न ऑन पर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। ये टर्न ऑफ होने से आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको टर्न ऑन रखना है। तो आपको यहाँ पर इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करते ही आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा नेटवर्क। तो यही था इसका प्रोसेस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।